नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ताजपोशी होने और हमीरपुर जिला से पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव प्रचार समिति चेयरमैन और विधायक राजेंद्र राणा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने खुशी जाहिर की है। इसी के चलते हमीरपुर गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र चार, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष देवीदास शहनशाह, नरेश ठाकुर, रोहित शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी सिंह के अलावा अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के द्वारा प्रदेश में नई नियुक्तियां की गई है और हमीरपुर जिला से दो नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राजेंद्र जैन ने कहा कि विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने से हमीरपुर जिला को सम्मान मिला है और सुक्खू जमीनी स्तर से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को चुनावों में विजय दिलाने में अहम भूमिका रहेगी। जहाँ तक सुखविंदर सिंह सुक्खू का सवाल है, उनको कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया है उससे हमीरपुर जिला को एक बड़ा सम्मान मिला है और सुक्खू धरातल से निकले हुए नेता है और वो अपना काम सही तरीके से करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में और कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। और जहाँ तक राजेंद्र सिंह राणा का सवाल है, वो पहले ही इसका उदाहरण दे चुके हैं कि वो कितने मजबूत हैं। उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री के चेहरे को हराया था, आज भी उनकी ताकत में वही बरकरार है और वो भी बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देंगे और हम सभी मिलकर साझा फ्रंट बनाकर पार्टी के लिए लड़ेंगे और हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, मेरा कहना और मैं गुरेज नहीं करूंगा इस बात का कि यहां पर दो वर्टिकल ग्रुप बने हुए हैं, एक धूमल ग्रुप है और एक जयराम ग्रुप। जयराम जी को तो वो अपना हमीरपुर के जो दूसरे गुट के आदमी हैं वो अभी तक अपना आदमी नहीं मानते, अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते, तो इससे बड़ी गुटबाजी और कहीं नहीं हो सकते हैं। वो उल्टे कांग्रेस के लिए गुटबाजी की बात करते हैं जो निराधार है। एक तो जो आज के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने जो यहाँ पर नियुक्तियाँ की है, जैसे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है प्रतिभा सिंह के रूप में, तो मेरा ये मानना है कि प्रतिभा सिंह बड़े जनाधार की नेता हमें मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वीरभद्र जी का जो यहाँ पर जनाधार रहा है उसका जो ये जनाधार का फल प्रतिभा सिंह जी के जरिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य यह है कि पूरे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना और हमीरपुर जिला में हमारा लक्ष्य है कि पांचों की पांचों सीटें, इस वक्त हमारे पास तीन सीटें हैं, पांच की पांच सीटें हम जीत कर लाएं और एक अपना इतिहास बनाएं हमीरपुर जिला में। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।